हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूत्स के बारे में। तो इसके ऊपर अगर बात करें हम, तो फॉरनर्स ने कहा है कि ये जो है राजपूत्स का ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं हुआ। कई फॉरनर्स ये कहते हैं, कई कहते हैं हिस्टोरियंस या फॉरनर्स कि यहीं हुआ है। मेनली जो फॉरनर्स हैं वो तो बाहर का ही बताते हैं, और जो हिस्टोरियंस हैं और जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं वो इनका ओरिजिन इंडिया का ही बताते हैं। तो बात करें अगर हम कि इनका ओरिजिन इंडिया का क्यों माना जाता है, किस लिए इन्हें इंडिया का बताते हैं, तो उनकी बात की जाए तो सबसे पहले तो यही आता है कि इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो जैसे कि हमारे इंडिया के पीपल लोगों की होती थी वैसे ही है। सेकेंड अगर बात की जाए तो ये भी फायर वर्शिप वगैरह क्या करते थे, जैसे कि हमारे टाइम में वो यज्ञ वगैरह करते थे, तो वैसे ही है। थर्ड अगर बात की जाए तो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं राजपूत्स के बारे में, तो इसलिए इन्हें समझा जाए कि इंडिया के हैं। फोर्थ जो है वो बात की जाए, जो राजपूत हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के डिसेंडेंट्स बताते थे, जो कि हमारे यानी कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान जो के वंशज माने जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये इंडिया के ही हैं। अगर बात की जाए सोशो रिलीजियस कस्टम्स की, वो भी मतलब राजपूत की ऐसी ही है जो कि हमारे इंडिया से मेल खाती हुई कस्टम्स रिचुअल्स वगैरह जो हैं वो हैं। और मेडिवल टाइम में वो कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि राजपूत ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉरेन ट्राइब्स, तो मेडिवल टाइम तक जब नहीं था तो अब कैसे हो गया फिर मॉडर्न टाइम में ऐसा। तो इसलिए ये सब रीजंस दिए जाते हैं कि जो ओरिजिन है राइज है राजपूत्स का वो इंडिया का ही है, और जो फॉरेन कहते हैं कि फॉरेन ट्राइब्स से आए हैं वो सब मेल नहीं खाते। फिर कुछ लोग इन्हें मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी भी मानते हैं कि फॉरनर्स और इंडियन मिक्स होकर के ही बने हैं, या फिर कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि ये अग्निकुंड थ्योरी जो बताते हैं कि अग्नि में क्योंकि में से बने हैं, क्योंकि परशुराम जी जो थे उन्होंने सर्वनाश कर दिया था राजपूतों का। 21 बार धरती को कहा जाता है कि धराविहीन कर दिया था राजपूतों से, लेकिन वो सिर्फ एक एरिया लोकेटेड जो है जिन्होंने उनके पिताजी जगदम्नी ऋषि की रेणुका इनको जिन्होंने तंग किया था उनको उस किंगडम को उन्होंने 21 बार धराशायी किया था, और किंगडम्स तो थे। तो इसलिए जो राजपूत थ्योरी कहते हैं कि भाई इंडिया की ओरिजिन है, तो वो इसलिए भी वो वैलिड माना जाता है कि हाँ इंडिया से ही में ही हुए थे राजपूत। और जो अग्निकुंड थ्योरी में बात की जाती है तो वो चार क्लेन्स की बात की जाती है, प्रतिहारास, परमार्स, चालुक्यास एंड चौहान्स के बारे में। फिर अगर हम बात करें राजपूत डायनेस्टीज की नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से, तो प्रतिहारास थे वो, मैंने आपको जैसे बताया कि जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें राष्ट्रकूताज के भी उनमें भी इनका जिक्र होता है। ये मेनली गुजरात वाली साइड वाले एरिया में पाए जाते हैं, और कन्नौज वगैरह साइड भी मतलब ये हमें देखने को मिलते हैं। गुज्जर वगैरह इन्हें मतलब जो है जो कनेक्शन मानते हैं वो मानते हैं। फिर हम बात करें इनके जो मतलब किंग्स जो हुए उनकी अगर भी बात की जाए, तो वो हुए नागभट्ट, वन वत्स राज। तो इन्होंने मतलब जो है नागभट्ट ने वो इनका फाउंडर थे, मतलब ये नागभट्ट जो थे प्रतिहारा डायनेस्टी के, ये थे 730-756 AD के बीच में। और जो कन्नौज थी वो इनकी मतलब कैपिटल मानी जाती है प्रतिहारा डायनेस्टी की। और उसके बाद फिर नागभट्ट हुए, रामभद्र हुए, भोज हुए, मिहिर भोज हुए, जो कि मतलब वेल मिहिर भोज को इनने मतलब किंगडम अपना काफ़ी फैलाया था, चंदेल और बुंदेलखंड वगैरह को, काठियावाड़, अवध, मालवा, राजपुताना और नॉर्थ वेस्ट इंडिया,
तक मतलब ले गए थे ये, मतलब अमीर भोज और मतलब राज भोज, वो इनको मेन रूलर माना जाता है प्रतिहारा डायनेस्टी का। फिर बात की जाए इनका जो रूल था वो 8536 टू 8585 AD तक था, 50 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था, तो रूल भी काफ़ी टाइम किया था और इसलिए वेल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे ये महेंद्र। फिर इनके बाद आते हैं राजा भोज के बेटे महेंद्रपाल 1। फिर जो महेंद्रपाल 1 तक ठीक था, लेकिन उनके बाद जो है इन्होंने मगध को भी कंक्वायर किया था महेंद्रपाल 1 ने, और बंगाल वगैरह को भी, मतलब पाला डायनेस्टी थी बंगाल में उनको भी डिफीट किया था। तो यहाँ तक जो है प्रतिहारा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया था। फिर राज जो स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर थे महेंद्रपाल 1 के वो थे राजशेखर, और फेमस कोर्ट पोइट भी थे उस टाइम के। और फिर महेंद्रपाल 1 के बाद अगर बात की जाए तो फिर जो है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे। उनमें बात की जाए फिर लेटर रूलर्स की, सक्सेसर्स की, जो वीक रूलर्स थे उनकी, तो उनमें आते हैं भोज 2, महीपाल, विनय पाल, महेंद्रपाल, देवपाल, राज्यपाल। फिर अगर हम बात करें परमार्स की, तो परमार्स का जो है रीजन जो है वो आता है मालवा रीजन, और इनके जो रूलर हुए वो स्याका जो हैं वो इनके फाउंडर हैं इस डायनेस्टी के। उसके बाद इनका जो रूल है वो मतलब 949 वगैरह उनसे स्टार्ट होता है। और फिर इनके बाद आते हैं मून जाते हैं, भोज आते हैं, इनमें भी एक भोज हुए थे तो वो आते हैं। तो इनके डेथ के बाद आफ्टर राजा भोज जो है इनका किंगडम जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक रहते हैं, और फिर 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और वो अलाउद्दीन खिलजी 13th सेंचुरी में पूरे मालवा रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर बात करें अगर हम राठौर्स की, तो राठौर्स का जो है ओरिजिन जो है वो माना जाता है कि वो गढ़वाल रीजन जो है, गढ़वाला वहाँ से इनका जो है मतलब वो एरिया इनका माना जाता है। तो इनमें जो रूलर हुए वो हुए चंद्रदेव, ये 1080 के आसपास इनके मतलब जो है ओरिजिन माना जाता है राठौर्स का। उनमें चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद, जयचंद वही है जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के वाला, तो जो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है जो वो इनमें आता है। फिर मतलब ये होता है कि वो क्योंकि पहले ही डिक्लाइन कर जाते हैं प्रतिहारास, तो ये कन्नौज में इनका फिर रूल हो जाता है, तभी ये जो है आपका जयचंद वो वहाँ पे रूल कर रहा होता है, और तभी जयचंद को मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। और वो हम सबको पता है कि उसकी बेटी यानी कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का, और तब से ही पृथ्वीराज चौहान से वो थोड़ा चिढ़ता था और उसने ही फिर मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और फिर लास्ट में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के लिए, और फिर पृथ्वीराज चौहान की डिफीट के बाद मोहम्मद गौरी ने उसे भी मार दिया, डेथ दे दी। फिर अगर हम बात करें चौहान्स की, तो अजमेर और दिल्ली का रीजन है उनमें ये रूल करते थे, और इनके फेमस रूलर तो पृथ्वीराज चौहान ही हुए जो मतलब पूरे 1178 से लेके 1192 AD तक जिन्होंने रूल किया, और नॉर्थ इंडिया के सबसे मतलब प्रोमिनेंट जो है रूलर माने जाते हैं ये। इनके जो है वासुदेव जो है वो इनके रूलर का मतलब ओरिजिन जिन्होंने किया था इस डायनेस्टी का, वो उनको माना जाता है चौहान्स डायनेस्टी का। वासुदेव के बाद इन कई हुए जैसे कि गुवक, गोविंद राजा, अजय राजा, विग्र राजा, विसल देव, इन पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर, तो कई हुए।
और फिर इनकी जो है डिक्लाइन फिर पृथ्वीराज चौहान के बाद ही समझ लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद फिर मोहम्मद गौरी का रूल हो जाता है और फिर आगे फिर स्लेव डायनेस्टी आ जाती है इंडिया में। इनको लास्ट रूलर भी माना जाता है नॉर्थ इंडिया का, जो मेन प्रोमिनेंट रूलर थे। और क्योंकि साउथ में फिर भी रूलर थे, क्योंकि कृष्णदेव राय वो बाबर के टाइम तक थे जो मेन रूलर थे, 1526 to 1530 जो रूल जहाँ तक बाबर का था, उस टाइम पे साउथ में विजयनगर एम्पायर जो है वो कृष्णदेव राय का था। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान को लास्ट मेन इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है नॉर्थ इंडिया का। फिर सोलंकी डायनेस्टी की बात की जाए अगर हम, तो वो जो गुजरात रीजन है उधर रूल किया करते थे, और ये 941 AD के आसपास के टाइम में इनका जो है रूल स्टार्ट हुआ। जो फाउंडर थे इनके डायनेस्टी के वो थे मूल राज, और उनके बाद फिर जय सिंह हुए, सिद्धराज हुए, कुमारपाल हुए, भीम टू हुए, और भीम टू के बाद इनका 12th century तक आते आते इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इनको टॉपल वो तुर्क वगैरह ने किया था। फिर अगर हम बात करें गुहिल डायनेस्टी की, तो इनका जो है गुहिल डायनेस्टी का जो रूलर माना जाता है वो बप्पा रावल, बप्पा को माना जाता है, बप्पा रावल। और ये राजपूतों की 7th-8th century में इनका रूल जो है वो स्टार्ट होता है, और ये मेवाड़ के रूलर्स थे। उदयपुर मतलब इनका जो है वो गढ़ माना जाता है, उदयपुर, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ मेन इनका जो है फोर्ट माना जाता है। और जब चित्तौड़गढ़ फिर अकबर के टाइम ले लिया गया था मुगलों द्वारा, तो फिर उदयपुर इनका जो है वो मेन सेंटर माना जाता है। इनके का जो रूल है वो चलता गया, काफ़ी लंबा चला इनका रूल। चाहे बप्पा रावल हो, भरतीपट्टा हो, टू हो, अगाटा हो, अलट्टा हो, नरवरहम, छलिवाहा हो, शक्ति कुर्मारा हो, यहाँ तक हुआ। उसके बाद इनको जो है शक्ति कुमारा के रेजिमेंट एट द परमार किंग मेन जो मतलब है वो रूल 10th century तक, फिर मतलब ये धीरे धीरे जो है वो कम होते गए, लेकिन जो इनका फिर से राइज हुआ और फिर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के टाइम पे फिर इनकी ग्लोरी जो है वो डिफाइन हुई। फिर चंदेलाज की बात करें हम, तो इनके जो है बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पे इनका रूल एस्टेब्लिश था, जो कि यूपी और मध्य प्रदेश वाली साइड वाला जो एरिया है उधर। इनके जो अर्लियर रूलर्स की बात की जाए तो नानुका जो है रूलर, उसको इनका जो है फाउंडर माना जाता है चंदेलाज डायनेस्टी का। फिर उनके बाद हुए इनको मतलब ये 900 के आसपास, 9th century के आसपास जो है इनका रूल जो है वो माना जाता है। यशोवर्मन हुए, फिर इनके दंगा हुए, गंडा हुए, तो इनके बाद फिर इनके जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है इस रूलर का। और इन्होंने मतलब पूरे मध्य प्रदेश में जो है कैप्चर कर रखा था, चाहे वो जबलपुर हो या फिर यूपी तक के कुछ रीजन्स को भी, जैसे भागल यूपी बिहार तक के, जैसे कि भागलपुर हो, यमुना, कलंजरा, इन सारे रीजन्स को जो है वो कैप्चर कर रखा था। फिर अगर हम बात करें कलचुरीज की, जो कि छेदी और त्रिपुरी के रीजन के हैं, उनके जो रूलर थे वो थे कोलकाला, जो कि जबलपुर के पास ही है त्रिपुरी, वहाँ पे इनका रूल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। ये वही 9th century के आसपास ही रूल था इनका। और गंगदेवा, लक्ष्मीकर्णा, ये कुछ नाम है इस डायनेस्टी के रूलर्स के। फिर जो है बात करें अगर हम पालाज की, तो पालाज का जो रूल है वो एस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में, और इनके जो मेन प्रोमिनेंट रूलर्स थे वो थे धर्मपाल, देवपाल, और ये धर्मपाल ही थे जिन्होंने वो डायनेस सॉरी वो डायनेसी कह रहा हूँ, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की थी। और फिर इनके बाद जो है वो इनका 12th century के आसपास इनका जो है डिक्लाइन होने लगा पालाज का। और सेना डायनेस्टी जो है
वो एस्टेब्लिश हुई, उनका जो है वो वही 12th सेंचुरी के आसपास जो है वो राइज, 10th 12th सेंचुरी के आसपास, और इनमें विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन जो है वो तक इनका रूल रहा। और ये जो है नॉर्थ बंगाल में इनका जो है वो डायनेस्टी जो है वो जहाँ पे ये रूल करते थे वो वाला रीजन नॉर्थ बंगाल का माना जाता है। फिर बात करें अगर हम करकोतास, उत्पालास की, वो लोहारास की, ये जो है वो कश्मीर रीजन में इनका जो है रूल माना जाता है 7th सेंचुरी AD के आसपास। यहाँ पे फाउंडर जो थे इनके वो थे दुर्लभ वर्धन जो है, उनके बाद ललित वद्या, ललितादित्य एंड विनयादित्य, फिर उत्पालास में अंतिवर्मन और शकर वर्मन, गोपाल वर्मन, तो ऐसे कई रूलर्स हुए। और फिर हम बात करें शाशीस की, उनका जो है वो रूल जो है वो काबुल में और पंजाब रीजन में पाना जाता है। उनमें जो है वो यही आपने जैसे देखा भी होगा मीर कासिम के आसपास और मोहम्मद गौरी एंड गजनवी के टाइम में, मेनली गजनवी के टाइम में जो है वो जयपाल और उनके बेटे आनंदपाल का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इन्होंने इन्वेजन्स रोकने की पूरी पूरी कोशिश की थी मोहम्मद गौरी की, अगर हम मोहम्मद गजनवी की बात करें अगर हम तो। फिर इनकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें राजपूत की, तो इनमें पॉलिटिकल यूनिटी बहुत कम थी, म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, ईर्ष्या थी, जेलेसी थी आपस में रूलर्स को, जैसे कि हमने जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया भी आपको। और किंग को हेड ऑफ द स्टेट उस टाइम भी मानते थे। फिर युवराज सिस्टम जो है, युवराज मतलब वो है क्राउन प्रिंस, जो कि सबसे बड़ा लड़का राजा का होता था, उनको बनाया जाता था, वो तो खैर होता ही है, वो तो नॉर्मल बात है। फिर इनके हाई ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रीज, सेनापति, चीफ कमांडर, रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर, पंडित्स, पोएट्स, मतलब जो द्वारपाल्स वगैरह जो दुर्ग की रक्षा करते थे, बॉडीगार्ड्स उनको, और मतलब मैसेंजर जो प्रोवाइड करते थे वो सब होते थे। और प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा देखा जाता था, उनको भुक्ति वगैरह में डिवाइड कर दिया जाता था। और फिर फ्यूडल सिस्टम था इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, और फिस्कल सिस्टम जो था, कि फिस्कल सिस्टम में यही था कि लैंड रेवेन्यू जो था वो ही मेन सोर्स था, कि चालू वित्त वर्ष में किसको कितनी ग्रांट वगैरह देनी होती है। और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी था, अबव में तो कहेंगे या तो सुप्रीम, तो उसके बाद फिर आगे डिवीजन हो जाती हैं मिनिस्टर्स में। फिर पुलिस सिस्टम भी था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी थी, फ्यूडल ऑर्डर मैंने आपको बताया है कि वो था उस टाइम में प्रेवलेंट। और बस, और तो सामंत्स मतलब उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इसका इफेक्ट क्या पड़ा फ्यूडल सिस्टम का, तो इससे ये पड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गई, वीक पोजीशन ऑफ किंग हो गई, वीकनेस ऑफ आर्मी हमें देखने को मिली, ब्लो टू विलेज असेंबलीज हो गया, रीजनल हिस्टोरिकल वर्क्स जो हैं उनमें हमें ये सब देखने को मिलता है, जैसे कि राजतरंगिणी जो है कलहन की, उसमें हमें देखने को मिलता है इन सब चीज़ों के बारे में, चंद बरदाई की जो है वो पृथ्वीराज रासो, उसमें देखने को मिलता है इनके बारे में। पीजेंट्स की माइजरेबल कंडीशन हो गई, रिचनेस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, सेल्फ सफिशेंट विलेज इकोनॉमी थी उस टाइम, ब्लो टू ट्रेड, ट्रेड काफ़ी घटा इस टाइम। और कहा जाता है कि जो सेंटर्स होते थे अर्बन सेंटर से हटके लोग अब विलेजेस में आके रहने लगे, अर्बनाइजेशन को ऑब्स्टेकल झेलनी पड़ी, क्योंकि एक तरफ तो रोमन एम्पायर भी डिक्लाइन हो रहा था और दूसरी तरफ ये यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रही थी आपस में लोगों में, किंग्स में मतलब।
और ब्राह्मण्स की डोमिनेंस अभी भी थी, कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी अभी भी थे, रिस्पेक्ट फॉर शिवलरी वो अभी भी था, सामंस वगैरह को हाई आइडल ऑफ वीमेन, आर्टिकुलेशन ऑफ रिलीजियस कल्चर, इसमें कोई डाउट नहीं था कि राजपूत जो हैं वो ब्रेव एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, करेजियस रूलर्स थे। पोजीशन ऑफ वीमेन की बात की जाए तो वीमेन की पोजीशन इस टाइम पे अच्छी थी फिर भी, और पर्दा सिस्टम वगैरह नहीं था, गिल्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ट्रेड यूनियंस वगैरह उनकी। और इसकी बात की जाए तो चाइल्ड मैरिज वगैरह ये सब भी उस टाइम प्रेविलेंट थी। फिर बात की जाए इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी के बारे में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था, इंटरनल ट्रेड और होता था, और क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड जो है वो अफ़गानिस्तान पर्शिया वगैरह तक, मतलब तिब्बत तक, सेंट्रल एशिया तक, वहाँ तक, और ये होता था सिंध वगैरह साइड तक, चाइना भी जाता था, और चोला एम्पायर तक तो साउथ ईस्ट एशिया तक पूरा था। फिर रिलीजियस लाइफ की बात की जाए तो वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस में मानते थे, टेंपल्स जो हैं वो अच्छे कंस्ट्रक्ट किए थे, तो उनमें टेंपल्स में मतलब काफ़ी जाते थे, स्क्रिप्चर्स को काफ़ी रिसाइट वगैरह किया कर जाता था, और रिफॉर्म मूवमेंट्स भी काफ़ी हुए थे हिंदू जो है संस्कृति में, क्योंकि शंकराचार्य उस टाइम आ गए थे जो 788 से 822 तक रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स वगैरह भी किए थे, शंकराचार्य हो, रामानुज हो, तो इनकी वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स भी आए थे, गीत गोविंद वगैरह जो हैं इनकी काफ़ी मतलब पॉपुलर हुई थी। लक्ष्मण सेन के टाइम में काफ़ी मतलब जो है गीत गोविंद जो है वो वहाँ पे सेन डायनेस्टी ऑफ सेन डायनेस्टी जो थी उसमें काफ़ी मतलब जो है रिलीजियस लिटरेचर पे ध्यान दिया गया था। फिर बात की जाए अगर कि ड्रेस ऑर्नामेंट्स वगैरह की, और ऑनेस्ट ट्रूथफुल तो थे ही ये, हॉस्पिटेबल के लिए मशहूर थे, हॉस्पिटैलिटी के लिए। इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो थी वो यही थी कि उज्जैन में हो गई, काशी में, वत्स में, मालवा, बंगाल, गुजरात, मुल्तान, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, ये सब मिनरल्स माइंस वगैरह के लिए काफ़ी फेमस थे, इंडस्ट्रीज़ के लिए कश्मीर भी काफ़ी फेमस था, क्वाइंस वगैरह सिस्टम जो था वो था प्रेवलेंट उस टाइम भी। फिर अगर हम स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स वगैरह की बात की जाए, फोर्ट, पैलेसेस एंड टेंपल्स, तो ये सब काफ़ी मतलब अच्छा बना के रखा हुआ था लोगों ने। फिर अगर हम बात की जाए लिटरेचर की, कि भी कौन कौन सी लिटरेचर आई उस टाइम पे, तो राजशेखर जो थे फेमस कोट पोएट, उन्होंने महेंद्रपाल वन प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम में लिखी कर्पूर मंजरी। फिर वक्कपति की बात की जाए, उन्होंने यशोवर्मन ऑफ रूलर जो थे कन्नौज के, उनके टाइम में लिखी गोदवा हो। फिर पद्मगुप्त की बात की जाए, उन्होंने सिंधु राज प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने लिखी नव शंख चरित्र। मृतंग एंड बाला बल्लाल जो थी वो परमद चिंतमणि एंड भोज प्रबंध लिखी उन्होंने। संध्याकार नंदी जो थी उन्होंने रामचरित को लिखा, मतलब उनकी कन्क्वेस्ट वगैरह उनको बताया। बिल्हाणा जो है, जो कि चालुक्य एम्परर के कोर्ट पोएट थे विक्रमादित्य सिक्स के, उन्होंने विक्रम अंकदेव चरित्र लिखी और कन्क्वेस्ट करेक्टर वगैरह बताती हैं उनके। कल्हाण ने राज तरंगणी लिखी, जो कश्मीर के बारे में हमें फुल नॉलेज देती है, एंशियंट से लेकर के मतलब एंशियंट हिस्ट्री की पूरी नॉलेज देती है कश्मीर की। और अनबरदाई के पृथ्वीराज रासो उस टाइम के बारे में बताती है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम के बारे में। हेमचंद्र और जय सिंह की कर्पूर पाला चरित्र, ये हमें नीलवाड़ा के रीजन के बारे में बताती है।
तो ऐसे करके काफ़ी लिटरेचर लिखी गई और एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। हायर एजुकेशन के लिए उज्जैन, नालंदा, काशी, विक्रमशिला ये सारी जो हैं प्लेसेस वो काफ़ी फेमस थी। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहाँ मतलब काफ़ी उभर कर आई थी। फीमेल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे इतनी मतलब हायर क्लासेस के लिए नहीं जाती थी मतलब फीमेल, वो जो है लो प्राइमरी एजुकेशन लेकर के और फिर उनकी मतलब उनको मतलब आगे नहीं पढ़ाया जाता जो काफ़ी, लेकिन हैं जो एक्सेप्शंस भी हैं वो पढ़ लिख भी गई। और डाउनफॉल जो हुआ राजपूत्स का वो मेनली इसलिए हुआ कि एक तो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स रहते थे राजाज के बीच में, लैक ऑफ फोरसाइट था कि भाई कोई अटैक कर देगा तो, फ्यूडल सिस्टम आ गया था तो इससे जो है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन से हो गया था कि एक ही जगह पे रूलर जो है वो रहने लग गए थे और उससे उन उस एरिया के जो है सामंतों को लोग मानने लगे थे कि वही हमारे किंग हैं, जो किंग के पास प्रॉब्लम लोगों की जाती ही नहीं थी, जो सामंत है वही हेड बन चुका था तो वो अपनी चलाता था। नैरो आउटलुक ऑफ द राजपूत किंग्स जो है वो मतलब इतना बड़ा नहीं सोच रहे थे कि कोई मोहम्मद गौरी या गजनवी जैसा कोई अटैक भी हो जाएगा इंडिया पर। स्टैंडिंग आर्मी जो थी राजपूत की उनमें इतनी मतलब स्किल नहीं रह गई थी और वो भी पुराने मेथड्स से जिनसे वो लड़ते थे और ये भी वो कह ही देते थे कि हम पीठ पीछे वार नहीं करते वगैरह, और न्यू मतलब टेक्निक्स वगैरह वो अडॉप्ट नहीं करते थे, अनफेयर मीन्स में ये लोग मानते नहीं थे। राजपूत के जो एलिफेंट्स हैं वो भी वेल इक्विप्ड नहीं थे जैसे कि तुर्कों के थे, एग्रेसर नहीं थे ये लोग, मतलब शांति प्रिय रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह पीपल थे। मिलिट्री सिस्टम जो तुर्क का था वो सुपीरियर था इनसे, उनके पास ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल्स भी थे जो कि अच्छी तरह युद्ध वगैरह से वाकिफ थे और न्यू टेक्नोलॉजी से युद्ध करना जानते थे। और उनका ये था कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमें ये लड़ाई जीतनी है, हमारा ये था कि भाई जीतनी तो है लड़ाई लेकिन फेयर मीन से, अनफेयर तरीके से नहीं, तो इसलिए जो है राजपूत का डाउनफॉल हो गया। फिर सोशल रिलीजियस कास्ट भी इनके इंडिफरेंस ऑफ द इंडियन मासेस, कास्ट सिस्टम ऑफ द हिंदूज ये मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, वेल्थ ऑफ हिंदू टेम्पल्स काफ़ी थी इसलिए जो है तुर्कों ने सोचा कि भाई इंडिया पे अटैक करते हैं। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द टुर्क्स में काफ़ी अच्छा मतलब भाईचारा था, जील थी रिलीजियस जील कि भाई आना है अटैक करना है और लूटना है और चले जाना है, और बेटर रिक्रूटमेंट थी उनकी, फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे तुर्क। और अगर हम लेगेसी की बात करें कि राजपूत पीरियड की क्या लेगेसी रही, हालांकि राजपूत भी स्ट्रॉन्ग थे पर तुर्क जो है वो अनफेयर मीन्स भी जानते थे इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। अगर बात की जाए लेगेसी की तो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे राइज हुआ, न्यू कास्ट सिस्टम्स और सब कास्ट सिस्टम्स काफ़ी राइज हुई, रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट आई इस टाइम पीरियड में, न्यू टेंपल्स वगैरह जो है वो काफ़ी डेडिकेट किए गए बनाए गए इस टाइम पीरियड में, और आर्किटेक्चर की जो है वो डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड में, फाइन स्कल्पचर्स वगैरह की डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे कि मैंने आपको भी बताया राजतरंगिणी वगैरह वो काफ़ी देखने को मिलते हैं यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, तो ये सब बात है कि राइज क्यों हुआ राजपूत्स का और क्यों डिक्लाइन हुआ। कल से हम बात करेंगे कि मेडिवल इंडिया की मतलब कल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तुर्क्स वगैरह की और इनकी बात करेंगे कल से हम, स्लेव डायनेस्टी के ऊपर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी वगैरह के बारे में। तो थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलते हैं।